और हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला लेने वाला है और लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की भी अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई बाबा और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करने का काम करेगा। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवान और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच जारी है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर, तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए। हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। वहीं हाथरस कांड पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मृतकों के परिजनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल चाल जाना। इसके बाद चंद्रशेखर ने मुआवजे की रकम बढ़ाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। एलआईयू का इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर, और दूसरा सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है चिट्ठी घर में क्या बना है, किसने कौन से कपड़े पहने, सरकार को सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मौत और जो घटनाएं जो है घट गई, इतनी बड़ी इतने लोग जान चले गई, इसके इसके इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगी। इस मामले को संसद में इतने जोर से उठाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़े। और अभी हमने अपने सीनियर नेताओं से कहा कि वो आंकड़े इकट्ठा करें, कितने लोगों की जान गई है, टोटल कितने लोग जिनकी जान गई। और मैंने जो आपसे कहा 80,000 लोगों की जिम्मेदारी, परमिशन में 80,000 लोग थे, तो 100 लोग की भविष्य नहीं छोड़ जा सकती। हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा की तलाश जारी है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत कई सेवादार पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आरोपी मिहिर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का बेटा है। कल सुबह बताया जा रहा है कि वर्ली में सड़क दुर्घटना के बाद से आरोपी मिहिर फरार है। हिट एंड रन घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मिहिर शाह अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी गाड़ी से जुहू के एक पब में पार्टी करते हुए देखा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में हिट एंड रन की सनसनीखेज खबर। लग्जरी कार ने दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, पति अस्पताल में भर्ती। शिवसेना गुट के नेता पर शिकंजा। पुणे हिट एंड रन की कहानी अभी थमी ही नहीं थी कि वर्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स ने अपनी लग्जरी कार से मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को
टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। इस सिलसिले में पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह समेत एक और शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि मुख्य आरोपी 24 साल का मिहिर शाह अब तक फरार बताया जा रहा है। अब साक्ष्य के आधार पर सारी चीजें सामने आएगी और इस प्रकरण का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये घटना रविवार सुबह 5 बजे उस वक्त की है जब कोलीवाड़ा में रहने वाले प्रदीप नखवा और कावेरी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान लग्जरी कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि प्रदीप नखवा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नजरिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वर्ली में हुए इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मिहिर शाह अपने 4 दोस्तों के साथ कार से उतरते हुए और बैठते हुए दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो जुहू के एक पब के बाहर का है। फिलहाल इस मामले में आरोपी के पिता से पूछताछ हो रही है, जबकि मुख्य आरोपी मिहिर पर शिकंजा कसने के लिए 6 टीमों को लगाया गया है। और खबरों में